वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉलम पे किस प्रकार के लोड लगते हैं, कॉलम पे किस प्रकार की थ्योरी लगती है और उसके क्या क्या एजम्पशन हैं। तो उस पर्टिकुलर एजम्पशन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कॉलम क्या होता है। तो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। अगर ये मेंबर अगर हॉरिजॉन्टल होता तो मैं इसे बीम कहता, पर अगर ये वर्टिकल है और इस पे लोडिंग एक्सियल लग रही है तो वो कहलाएगा मेरा कॉलम। ठीक है, अब सबसे पहले कभी भी जब आप कॉलम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास एक यूलर थ्योरी आती है। तो यूलर नाम के साइंटिस्ट ने हमें इसका एजम्पशन दिया और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ एजम्पशन इन्होंने हमें दिए हैं। तो हम उन एजम्पशंस को इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एजम्पशन है कि हमारा जो कॉलम है उस पे लगने वाला लोड आपका एक्सियल लोडिंग होना चाहिए। अब एक्सियल लोडिंग क्या है? एक्सियल लोडिंग का ये मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ किसी के एक्सिस से पास हो रही है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं पी लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है, अब वो पर्टिकुलरली उसके एक्सिस से पास हो रहा है, मतलब उसके सेंटर से पास हो रहा है। अगर मैं इसे टॉप व्यू बनाऊं, अगर मैं इस कॉलम का, तो टॉप व्यू मेरे को सर्कुलर दिख सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक्सिस कहाँ पर होगा? इसका एक्सिस इसके सेंटर में होगा, ये इसका एक्सिस है। तो अगर इसी पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर मैं लोड लगाऊं तो वो मेरा एक्सियल लोडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो एक्सियल लोडिंग इस पे लगना चाहिए। इसका कहने का ये मतलब है कि हमेशा सेंटर पे ही लगना चाहिए, जो भी बीम है उसमें सेंटर पे ही लगना चाहिए। उस पे कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा लोडिंग यहाँ पर लग गया या यहाँ पर लग गया, मतलब साइड बाय साइड ना लग करके वो हमारे कॉलम के एकदम सेंटर पे लगना चाहिए और उसके एक्सिस के थ्रू आउट जाना चाहिए, वो कहलाएगा हमारा एक्सियल लोडिंग। ठीक है, पर एक्चुअल केसेस में अगर आप देखोगे, अगर आप एक्चुअल केसेस में देखोगे, अगर मैं ये कॉलम को बना दूँ और इस पे मैं लोड लगा रहा हूँ, अगर मैं इस पे लोड लगा रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं कि लोड हमेशा सेंटर पे लगे आपका। कई बार आपका ऐसा होता है कि लोड आपका इसेंट्रिक लगता है, इसे इसेंट्रिक लोडिंग कहते हैं, जब आपका लोड एक्सिस से ना हो करके कहीं और बनता है। तो मैं यहाँ पर एक्सिस बना करके दिखा देता हूँ, ये है मेरा एक्सिस, तो एक्सिस में ना लग करके लोड मेरा यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो हमारा यूलर लॉ इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। हमारा यूलर लॉ साफ साफ बोलता है कि हमारा लोडिंग एक्सियल होना चाहिए और वो उसके सेंटर से ही पास होना चाहिए, तभी आपका इसका फॉर्मूला काम करेगा, तभी आपका यूलर्स थ्योरी काम करेगा। इसका अगला एजम्पशन है, मटेरियल आपका होमोजीनियस होना चाहिए। मटेरियल आपका होमोजीनियस होना चाहिए एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल का होना चाहिए। तो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक यहाँ पर दो टर्म आपके आते हैं। ठीक है, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक यहाँ पर आपके दो टर्म आते हैं। तो पहले हम लोग होमोजीनियस को समझते हैं। तो होमोजीनियस का ये मतलब होता है कि आपका जो जो भी ऑब्जेक्ट है वो पूरा सेम मटेरियल का बना हो, आपका ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल का बना हो। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके आधा पार्ट आयरन का बना है, आधा स्टील का बना है और आधा किसी और ग्लास वगैरह मटेरियल का बना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो मटेरियल है सेम मटेरियल का होना चाहिए थ्रू आउट लेंथ, ऐसा बोला जाता है। तो मतलब अगर स्टील की बात हो रही है तो पूरा का पूरा स्टील ही होना चाहिए, उसके आधे पार्ट में आयरन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्योर स्टील होना चाहिए। अब आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? आइसोट्रॉपिक का ये मतलब होता है कि जो यंग्स मॉडुलस आप ई जानते हैं, जिसे हम ई से शो करते हैं, कैपिटल ई, यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक कांस्टेंट, एक ही चीज़ है जो हमारे इलास्टिसिटी को शो करता है। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो किसी भी मटेरियल में, अगर हम किसी भी एक्सिस की बात करें, चाहे हम एक्स एक्सिस की बात करें, चाहे हम वाई एक्सिस की बात करें और चाहे हम जेड एक्सिस की बात करें, किसी भी डायरेक्शन में हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन बात करूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन बात करूं, चाहे मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ जेड डायरेक्शन बात करूं, ये तीनों के तीनों सेम होने चाहिए, कहीं पर भी इसकी वैल्यू अलग नहीं होनी चाहिए, मतलब हर जगह आपका इलास्टिक कांस्टेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब
अगला है, अब अगला है आपका, इट शुड बी फॉलो हुक्स लॉ, इट शुड बी फॉलो हुक्स लॉ। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है, हम एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हुक्स लॉ क्या होता है, उसी को हमारा कॉलम फॉलो करेगा, जैसा भी जो भी हमारा हुक्स लॉ कहता है उसे ही हमारा कॉलम फॉलो करेगा। तो हुक्स लॉ कहता है कि जो आपका स्ट्रेस है, किसी भी बॉडी पे लगने वाला स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से शो करते हैं, किसी भी बॉडी पे लगने वाला स्ट्रेस उस बॉडी पे लगने वाले स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी बॉडी पे लगने वाला स्ट्रेस उस बॉडी पे लगने वाले या उस बॉडी पे होने वाले स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर फिर आपको एक दो नए टर्म पता चले, एक है स्ट्रेस एंड दूसरा है स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। ठीक है, तो आपके लिए दो और नए टर्म हो गए, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे लोड लगाते हो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे लोड लगाते हो, तो वो ऑब्जेक्ट आपका डिफॉर्म होना चाहता है, अपना शेप चेंज होना चाहता है। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को दबाया, जैसे कि आप इधर कॉलम को ही देख सकते हैं, कॉलम को मैं ऊपर से लोड लगा रहा हूँ, तो ये बॉडी डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी, या हो सकती है इसे रेजिस्ट भी कर ले, बट बॉडी डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी, बॉडी पे डिफॉर्मेशन आने वाला होगा। पर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो लोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, और वो खुद को डिफॉर्म होने से रोकता है या रेजिस्ट करता है। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप किसी बॉडी पे लोड लगाते हो, बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा होने लगता है, पर उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए बॉडी का सेल्फ इंटरनल रेजिस्टेंट और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर लगने वाले लोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लोड लगता है उसे कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो ये था स्ट्रेस का डेफिनेशन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, अगर मैं चेंज इन लेंथ को डेल एल से शो करूं, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब पहले मेरा लेंथ कितना था वो मेरे नीचे में है, और चेंज इन लेंथ मतलब दो लेंथ का डिफरेंस है, मतलब दो लेंथ का डिफरेंस है, मतलब फाइनल मतलब बिफोर माइनस नाउ। ठीक है, तो डेल एल का मतलब है कि हमारा लेंथ कितना चेंज हुआ है, दो लेंथ के बीच का डिफरेंस है, मतलब पहले कितना था और अभी कितना है उसका डिफरेंस है डेल एल, और एल है हमारा लेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो जो हमारा कॉलम है वो हमारे इस हुक्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, और जो मैं रिलेशन बताया हूँ, ये हुक्स लॉ वाला जो रिलेशन बनाया हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इलास्टिक लिमिट तक के ही काम करता है। इसका एक डायग्राम भी बनता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इसका एक डायग्राम भी बनता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जिसमें जिसमें वर्टिकल में मैं आपको शो कर दिया स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल में शो कर दिया मैं आपको स्ट्रेन। ठीक है, और यहाँ से आपका ये, तो आपको जो यहाँ लास्ट में मिलेगा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है आपका इलास्टिक लिमिट, ये है आपका इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो आप जैसे कि फिगर में देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, वैसी वैसी आपका स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। तो ये फॉलो कहाँ तक करेगा, आपके इलास्टिक लिमिट तक के, ये है आपका इलास्टिक लिमिट, तो ये आपका फॉलो यहाँ तक के करेगा। तो घुमा फिरा के बात इतनी सी है कि जो आपका कॉलम भी है, उसमें जो यूलर का थ्योरी कहता है वो ये कहता है कि आपका जो कॉलम है वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। हुक्स लॉ को फॉलो करने का ये मतलब है कि आपका जो बॉडी है अंडर इलास्टिक लिमिट तक के ही वर्क करेगा, और आपका फॉर्मूला भी साथ आपका इलास्टिक लिमिट तक के ही देगा, उसके बाद नहीं देगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड एजम्पशन। अगला एजम्पशन है
लेंथ इज वेरी लार्ज, लेंथ इज वेरी लार्ज। अब इसका कहने का ये मतलब है, लेंथ इज वेरी लार्ज कहने का ये मतलब है, अगर आपका लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर कुछ ऐसा स्क्वायर शेप या कोई ऐसा कॉलम है जिसका लेंथ उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा कॉलम है जिसका लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं है, और हम इसे नीचे से भी फिक्स करके दिखा देते हैं, नीचे से भी फिक्स करके दिखा देते हैं, ये फिक्स होने का सिंबल है, यहाँ से हमारा कॉलम फिक्स है। तो ये कॉलम जैसा लग नहीं रहा है, कॉलम जैसा तभी लगेगा जब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हमारा यूलर्स थ्योरी ये कहता है कि जो हमारा जो कॉलम है, हमारा जो कॉलम है उसका लेंथ, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लंबी होगी तभी हम उसे यूलर्स थ्योरी में काउंट करेंगे और तभी हम उसे कॉलम कहेंगे, ऐसा हमारा यूलर्स थ्योरी कहता है। अब ऐसा कहने का कारण इसलिए है क्योंकि अगर ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है और अगर मैं इस पे लगाया लोड, अगर मैं इस पे लगाया लोड, तो लोड लगाऊंगा तो इसका कंप्रेशन होगा, जब मैं इस पे लोड लगाऊंगा तो इसका कंप्रेशन होगा और मेरा जो बॉडी है डिफॉर्म होने के बाद, मेरा बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा और डिफॉर्म होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, मेरा बॉडी दबने के बाद जो मैं ब्लू कलर से शो किया हूँ उस टाइप का दिखेगा, उसका मटेरियल कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए उसकी चौड़ाई बढ़ गई है और उसकी लेंथ घट गई है। तो ये बेसिकली कंप्रेशन हो गया, आपका कंप्रेशन हो गया, और जो आपका यूलर्स थ्योरी का एजम्पशन है उसमें ये नहीं चाहता कि आपका उसमें कंप्रेशन हो, वो चाहता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग या बकलिंग हो। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि यूलर्स थ्योरी पे किस प्रकार के लोडिंग लगती है, पर फिलहाल आप ये जान लो कि यूलर्स थ्योरी इस चीज़ के लिए नहीं बना है कि आप इस पे कंप्रेशन कर लिए, है ना। हमारा ये जो इतना लंबा सा जो बीम है, सॉरी, हमारा जो इतना लंबा सा जो कॉलम है, हमारा जो इतना लंबा सा जो कॉलम है, ये कॉलम जो इतना लंबा है, ये डायरेक्टली कंप्रेस इस तरीके का नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली कंप्रेस इस तरीके से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस कॉलम की लेंथ बहुत ज़्यादा है, इस कॉलम की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे इस टाइप से कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आपके कॉलम की लेंथ छोटी है तो वो बेंड भी नहीं होगा, वो बेंड भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके कॉलम की लेंथ छोटी है तो वो बेंड नहीं होगा, वो सिर्फ कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फोर्थ एजम्पशन, ठीक है। फिफ्थ एजम्पशन कहता है कि इसका कोई सेल्फ वेट है ही नहीं, इसका कोई सेल्फ वेट ही नहीं है। कहने का मतलब कि जो आपका जो कोई भी ऐसी चीज थोड़ी होती है कि जिसका कोई सेल्फ वेट नहीं होता, ठीक है, जिस पे लोड लग रही है ये उसे सेल्फ वेट नहीं कह रहा है, जो पी लोड यहाँ पर लग रहा है ये उसे सेल्फ वेट नहीं कह रहा है, ये सेल्फ वेट किसे कह रहा है, इस पर्टिकुलर कॉलम का वेट, इस पर्टिकुलर कॉलम का वेट है ही नहीं, ऐसा ये नेगलेक्ट कर रहा है। पर अगर आप रियल केसेस में देखोगे, प्रैक्टिकल केसेस में देखोगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट जिस पे लोड लग रहा है उसका एक खुद का भी एक सेल्फ वेट तो होता ही है, तो उस चीज़ को ये यूलर्स थ्योरी अपने में कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। लास्ट लास्ट जो इसका एजम्पशन है वो ये है कि कॉलम आपका स्ट्रेट है बिफोर लोडिंग, ठीक है, मतलब कि हमारी थ्योरी तभी काम करेगी जब हम लोड लगाने के पहले हमारा कॉलम स्ट्रेट था, ये नहीं कि हमारा कॉलम थोड़ा सा बेंड है, हमारा कॉलम कुछ इस तरीके का बेंड है और हम उस पे फिर लोड लगा रहे हैं और उसके बाद यूलर्स थ्योरी से चेक करेंगे कि क्या वैल्यूज आती है, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा कॉलम लोड लगने के पहले भी स्ट्रेट रहना चाहिए, हमारा कॉलम लोड लगने के पहले स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है, वो बाद में बेंड करेगा वो बात सही है, ठीक है। तो ये तो सारे थे इसके एजम्पशन। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका जो कॉलम है, ठीक है, इसमें किस टाइप का डिफॉर्मेशन होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ कंप्रेशन नहीं होगा तो किस टाइप का डिफॉर्मेशन होता है वो मैं बताता हूँ। तो मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये बैंड होगा कुछ इस टाइप का, ये कुछ इस प्रकार से बैंड होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बैंड हुआ है तो यहाँ से इसका बेंडिंग चालू हुआ है और नीचे नीचे में इसका जो एंड खत्म होने वाला था उससे पहले ही मैं इस कर्व को कवर कर दिया हूँ। इसका मतलब है कि ये पूरा नीचे तक के बैंड नहीं होता, थोड़ा पहले तक के बैंड होता है, ठीक है। तो अगर हमारे कॉलम की टोटल लेंथ एल है,
अगर हमारे कॉलम की टोटल लेंथ एल है, आप देख सकते हैं, अगर हमारे कॉलम की टोटल लेंथ एल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है, तो ये वाला जो लेंथ है हमारा, ये कहलाएगा एल ई, एल स्मॉल ई, स्मॉल ई, एल ई, इसका मतलब है इफेक्टिव लेंथ, जहां तक कि आपका कॉलम इफेक्ट किया है उसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।